Drop it. What? Hold up. Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel, welcome back to another vlog. Kaise aap sab? Hope you guys are doing great. Well, so today is Sunday and Sunday is a free day. Sunday is an off day, so I am off. Ghar pe hu, काम किया है घर पे थोड़ा बहुत. मैं रूम अपने कमरे को मैंने बिल्कुल सेट वेट किया है. फाइनली वो मंथ आ चुका है जहाँ मेरी चीज़ें स्टार्ट होंगी, लाइक दिस दिसंबर. ये जो दिसंबर का महीना है, अच्छा बाय द वे दिसंबर इज माय बर्थडे मंथ, ड इफ यू गाइस डू नॉट नो दैट ऑलरेडी. एंड इस महीने में मेरे साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं. लाइक ये मंथ जो है मेरे लिए माशाल्लाह 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 बहुत अबंडेंस के साथ स्टार्ट हुआ. गाइस प्लीज से माशाल्लाह, आई एम वेरी वेरी हैप्पी. ओके, तो आई जस्ट रियलाइज मेरे कैमरे की सेटिंग्स बहुत बुरी हुई थी. लेट मी जस्ट ओपन द डोर. दान इज देयर. दान से हाय. हाय हाय. पपी दे दो, पपी दे दो. ये गंदा हो गया. ओके, सो द फर्स्ट पे दैट आई रियली वांट टू शो यू गाइस इज फ्रॉम ओवोलो. एंड ये पीआर पैकेजेस नहीं है, आई हैव ऑर्डर्ड देम. एंड सारी प्राइसिंग एंड एवरीथिंग मैं आपको सब कुछ बताती हूँ. सो द फर्स्ट पेयर इज दिस, रियली रियली प्रिटी. मे पर्पल कलर में फ्लैट्स नहीं थे एंड आई रियली वॉन्टेड टू गेट सम, सो आई गॉट दिस. वैसे ऑनेस्टली ये जो कलर है पर्पल, हम हर ड्रेस के साथ नहीं पहन सकते हैं. ये दिमाग में था मेरे, बट आई स्टिल वॉन्टेड टू गेट दिस बिकॉज दे आर वेरी वेरी क्यूट. सो ये ओवोलो, आई थिंक दिस इज़ हाउ यू प्रोनाउंस दिस, ओवोलो. ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं. आई बिलीव इनका स्टोर भी है. या आई डू बिलीव इनका स्टोर भी है, आप स्टोर पर भी जा सकते हैं. दे हैव अदर वराइटी एज वेल. एंड नो, इट इज़ नॉट ए पी आर पैकेज. मैंने खुद ऑर्डर किया है एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर विद यू गाइज. लेट मी शो यू अनदर. ओके, सो नेक्स्ट पेयर मैंने मंगवाया था एलिगेंसिया से. एंड लेट मी शो यू गाइज, दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी क्यूट. और मैं ऑलरेडी इनको तीन चार बार तो पहन ही चुकी हूँ. आई रियली रियली लाइक द डिज़ाइन एंड इट्स ब्लैक. ब्लैक गोज विद एवरी थिंग. सो या ये दूसरा पेयर है, ये मैंने एलिगेंसिया से मंगवाया था एंड इट्स ब्लैक. ब्लैक गोज विद एवरी थिंग. ये मुझे पर्पल, अच्छा पर्पल और इसमें बड़ी कन्फ्यूज थी मुझे कौन सा ऑर्डर करना चाहिए. सो आई ऑर्डर बोथ ऑफ देम. रियली रियली क्यूट. इनकी इस पे भी सेल था. अगेन इनकी प्राइजेस सब मैं आपको नीचे मैंशन कर दूँगी. एंड येस, अगेन इट इज़ नॉट ए पी आर पैकेज. ये मैंने खुद ही ऑर्डर किया है एंड आई बिलीव अब तक तो इनकी सेल भी ख़त्म हो चुकी होगी. ओके, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट मी शो यू गाइज दिस बैग एज वेल. ये मैंने यूनिवर्सिटी ऑफिस के लिए अपने मंगवाया है. सो द रीज़न आई ऑलवेज ऑलवेज ऑर्डर ब्राउन बैग्स, दैट इज़ बिकॉज ये यूनिवर्सल होते हैं, हर ड्रेस के साथ चल जाएंगे. इनमें कोई भी आपको यू नो कपड़ों का नहीं होगा, इस पर नहीं जाएंगे, उस पर नहीं जाएंगे. ये ब्राउन कलर जो होता है वेरी बेसिक एंड सबके साथ जाता है. जब भी अपने हैंड बैग्स पर मैं खर्चा करती हूँ, आई ऑलवेज गेट ब्राउन. अगर मैं आप लोगों को चीज़ें दिखा ही रही हूँ, सो वाई नॉट टू शो यू गाइज अ पी आर पैकेज दैट आई रिसीव्ड. एंड इसको मैंने अभी तक इंस्टाग्राम पे अनबॉक्स नहीं किया है. आई एम एक्चुअली वेटिंग फॉर मोर पी आर पैकेजेस, फिर उसके साथ मैं सारे पी आर अनबॉक्स करूँगी. बट आई एम गोइंग टू शो यू गाइज हेयर ऑन यूट्यूब. सो या दिस पी आर पैकेज वॉज सेंड टू मी बाय रंगो रुख. अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इनकी पैकेजिंग थी, दैट वॉज वेरी वेरी क्यूट. एंड the stuff that they have sent, it's also very cute. I really really like this bag. This is so cute. Ya maine kitni bar cute word bola hai, just count that. But this is actually very very cute. Thank you so very much, Ranguru. Then they have sent in a mask necessity, it's really really important. And then we have this scrunchie. Not the least, they have sent in this kurti jo ke hai ji hai winter collection that actually ओमरे कुर्ती. अच्छा, मैं इसको नहीं खोल रही हूँ, ये मैं आपको इंस्टाग्राम पे ही खोल के दिखाऊंगी. आई मीन इसको अभी तक प्रॉपर खोला भी नहीं है. आई जस्ट होप मुझे साइज मैच करे, बट आई रियली लाइक इट. लाइट नहीं खोलते हैं. ये एक लाइट बहुत है. ओके, तो नाउ आई एम जस्ट हैविंग माय फूड. मैं बहुत थक गई थी एंड वाज वेरी हंग्री. ओके, तो एक चीज़ मैं आप लोग को बताना भूल गई थी. व्हाइल आई वाज व्लॉगिंग इन माय रूम, तो आप लोग को मेरा कमरा थोड़ा सा मैसी सा लग रहा होगा बैक पे. एंड मैं उसका रीज़न बता दूँ.
फाइनली द मोमेंट द मंथ द टाइम आई हैव बिन वेटिंग फॉर. एंड मैं इतने टाइम से कह रही थी आप लोगों के आई विल डू दिस थिंग और फाइनली इट इज़ हैपनिंग. मैं फाइनली अपने रूम का मेक ओवर कर रही हूँ एंड आई एम जस्ट चेंजिंग एवरी थिंग. दैट इज़ द रीज़न माई रूम इज़ वेरी मच मैसी. If you guys remember, I had this dressing table जो बिल्कुल इधर थी. If you guys remember, if you guys can tell, I don't know, my room is messy right now, so let's just look like that. यहाँ पर मेरा एक ड्रेसिंग टेबल हुआ करता था So I have gotten rid of that dressing table. I already have this big mirror in my room. So there's no point, you know, to keep दो mirror अपने कमरे में. सो उसको मैंने निकाल दिया है. उसकी जगह मैंने वैनिटी बनवाई है. आई मीन उसका मतलब पूरा आइडिया वगैरह सब कुछ मेरे दिमाग में, द थीम एंड एवरी थिंग. देयर इज वन थिंग आई हैव टू बी क्रिएटिव एट, सो वो भी सारा मेरे दिमाग में है. बहुत आइडियाज है मेरे दिमाग में, लेट्स सी मैं कितना इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ. सो या वैनिटी को मैंने ऑर्डर पे दे दिया है. आई मीन दिया नहीं है, उसको देना है मुझे. 50% एडवांस पेमेंट देनी है. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई पेमेंट्स, वो आ जाए, रिलीज हो जाए एंड देन आई विल डू दैट. एंड उसके बाद विद इन 14 to 15 days, दिस मंथ डिपेंड्स मैं कब ट्रांसफ़र करती हूँ, तो इस महीने या नेक्स्ट महीने तक वो प्रॉब्ली मुझे ट्रांसफ़र हो डिलीवर हो जाएगा. एंड सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगी जब मेरा रूम हल्के के बनना स्टार्ट हो जाएगा. एवरी थिंग आई विल लेट यू गाइस नो. अभी भी इसको टाइम लगेगा, 2-3 महीने तकरीबन लगेंगे. ठीक है, एकदम से मैं सारी चीज़ें नहीं ले सकती हूँ, एकदम से मैं अपना कमरा नहीं यू नो बिल्डअप कर सकती हूँ. दिस इज़ गोइंग टू टेक टाइम. हर चीज़ एवरी थिंग टेक्स टाइम. बेबी स्टेप, हर किसी को आराम आराम से लेके जाओ. स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करो सो ही अच्छी चीज़ बनती है. एकदम से आप लोग फर्स्ट स्टेप से 10वें स्टेप पे जंप कर दोगे तो चीज़ें ख़राब होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं एंड देन फिर देयर इज़ नो पॉइंट ऑन इन दैट. सो स्लोली स्लोली हर चीज़ करेंगे एंड स्लोली स्लोली मैं आपको सब कुछ अपडेट करती जाऊँगी, सब कुछ बताती जाऊँगी. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, आपको हल्के हल्के दिखाऊँगी. सो अब मैंने खाने को बहुत वेट करा दिया है एंड आई एम हंग्री एंड आई ईट दिस एंड या बाय. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर क्लिप. टुडे इज मंडे एंड अभी कुछ बज रहे हैं सुबह के 9 ऑलमोस्ट. सो आई एम जस्ट लीविंग फॉर वर्क. आई जस्ट वांटेड टू से यू गाइस हेलो एंड या आई नीड टू जस्ट पैक माय बैग. चप्पल ले पहनी है एंड देन ऑफ वी गो. वीकेंड इतनी कोई जल्दी गुजर जाता है पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी. अभी तो संडे आया था एंड संडे इज गॉन लाइक इट्स गॉन. सो दिस इज माई लुक फॉर टूडे. आई हैवन अप्लाइड एनी मेकअप क्योंकि अब मैं डेली बेसिस पे मेकअप अप्लाई नहीं करती. यूनिवर्सिटी में बहुत कर लिया, नॉट एनी मोर, आई डोंट वॉन्ट डू दैट. या ऑल्सो ये जो ग्लासेस मैंने ऊपर पहने हुए हैं, जो ग्लासेस हैं दे लाइक वेरी वेरी चीप. आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग के बिकॉज मेरा मुंह इतना छोटा सा है. सो आई जस्ट वॉन्ट के कौन सा ऐसा शेप है जो मेरे यू नो ग्लासेस का साइज शेप जो मेरे मुंह पे सेट हो सकता है. सो आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग दैट एंड आई रियली रियली लाइक दिस वन. आई एम गोइंग टू पैक माय बैग एंड देन वी लीव. सो लेट्स गो. अम्मी मुझे इग्नोर कर रही हैं, मुझसे बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हैं. एंड आई एम टेलिंग हर कि मैं आपको पूरा दिन याद करती हूँ और मुझे कह रही है बड़ा असुल, हमारी लैंग्वेज में असुल मतलब बड़ा कर रही होगी तुम मुझे याद. झूठ मान के झूठ बोल रही है. अम्मी 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 मेरे कपड़े सी रही हैं है अम्मी. अच्छा, अपनी शक्ल को बड़ा बना या मैं अभी मुंह धो के आई हूँ, मेरे फ्लॉज वगैरह सब आए हुए. अम्मी बहुत सारे लोग पूछते हैं आपके ब्रांड का, मैं बता के थक गई हूँ कि आप खुद बार हाँ, बस पूछते हैं. यार अम्मी ऐसा ना बोले, ऑर्डर्स आते हैं यार. अम्मी जब अपने काम में होती हैं बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं देती हैं, बिल्कुल भी नहीं देती हैं. बहुत सारे लोग जो अम्मी के ब्रांड का पूछ रहे होते हैं, मैं नाम बता दूँ फिर चलाएगा. दैट इज TAS.closets. आपको इंस्टाग्राम पे इनका पेज मिल जाएगा एंड गो फॉलो हर यू गाइस, सपोर्ट हर एंड सपोर्ट से मुराद है प्लीज गिव हर ऑर्डर्स. Also, she is carrying, alhamdulillah, pretty good orders.
बट आई वॉन्ट यू गाइज टू सपोर्ट हर एज वेल. आई विल अप्रिशिएट दैट एंड ऑब्वियसली अम्मी भी अप्रिशिएट करेंगी. अम्मी के खर्चा निकल जाएंगे, मैं फ्री हो जाऊंगी. मैं 1 लाख भी कमाऊँ ना महीने में, तुम लोगों से जरूर अम्मी कर लें. अम्मी हमें नहीं छोड़ेंगी, ऑब्वियसली भी छोड़ना भी नहीं चाहिए. बट आई एम बैक एंड आई एम बैक, दैट इज इट. मैंने अपना मुँह वगैरह धो लिया है, अपनी स्किन केयर अभी नहीं किया. आई विल डू दैट सोने से पहले. एंड ऑल्सो यू गाइज, मनी हाइस्ट स्टार्ट हो गया है. आई एम सॉरी, आपको बैकग्राउंड में ये स्लाइम मशीन की आवाज़ आती रहेगी. मनी हाइस्ट स्टार्ट हो गया है. मैं अभी 7th एपिसोड कंप्लीट किया है. आई मीन जो नया सीजन है उसके दूसरा एपिसोड अभी कंप्लीट किया है. 3rd एपिसोड पे मैं आज होपफुली करूँगी. मम्मा ने, अम्मी आपने देख लिया है? आपने देख लिया मनी हाइस्ट? अम्मी ने मनी हाइस्ट देख लिया है, मेहरान ने मनी हाइस्ट देख लिया, मैं और भाभी लगे हुए हैं इसमें देखने को. सो ये आई एम प्रीटी एक्साइटेड. अभी तक जो मैंने 2 एपिसोड देखे हैं, लाइकिंग इट सो फार. आगे का हम देखेंगे क्या होता है. बट जैसे ही एपिसोड स्टार्ट हुआ ना, उन्होंने टोक्यो का दिखाया. आई डोंट नो उन्होंने कितनों ने देखा हुआ है, आई जस्ट डू नॉट वॉन्ट टू गिव स्पॉयलर्स. बट उन्होंने थोड़ा सा जो रिकैप तो नहीं, हाँ रिकैप ही दिखाया. सो आई हैड टीयर्स इन माई आईज. मुझे सबसे ज़्यादा जो दुख हुआ वो टोक्यो की मौत पे हुआ, टोक्यो पे हुआ था. इवन नायरोबी पे भी हुआ था, बट टोक्यो पे मुझे ज़्यादा हुआ था. तो ये है जो अम्मी मेरे कपड़े बना रही है. आई मीन वहाँ पे शर्ट सिल रही है. नॉट इवन शू मम्मा दैट वहाँ पे शर्ट सिल रही है. मम्मा बड़ा गुस्सा कर रही है, तो मुझे मत दिखा, मैं भी अच्छी नहीं लग रही हूँ. सो आई एम नॉट गोइंग टू शो हर. बट या शी इज स्टिचिंग देयर. एंड ये है शर्ट. मैंने इसकी शलवार कमीज बनवाई है. ये इसका प्लेन नहीं है. फिर चलो ट्राउजर पीस चलेगा, लूज वाला. हाँ बेस्ट है, ये बेस्ट हो गया. सो इसका लूज ट्राउजर है एंड इसकी शर्ट है. सो मुझे मम्मा का रूम टूर में अभी तक मुझे कोई परमिशन नहीं मिली गई है. पता नहीं कब होगा, बट मैं मम्मी का ऐसे करके आपको थोड़ा सा दिखा दूंगी. ज़्यादा मैं नहीं दिखाऊंगी. आई एम सॉरी अगर आप तुझे डिजी से हो गए, मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी. बट आई लाइक मम्मा रूम. तभी मैं इधर ज़्यादा आके आप लोग से बातें कर रही हूँ एंड चिल कर रही हूँ, बिकॉज मेरा रूम जब बन जाएगा तब अपने रूम में करेंगे. ऑल्सो मम्मा गॉट दीज लैम्प्स जो मुझे बड़े क्यूट से लग रहे हैं. बट फर्दर कहाँ से लिया, क्या लिया, जब इनका सब ये बिट्स एंड पीसेस कंप्लीट हो जाए. जब भी मैं कहती हूँ आपका रूम टूर करूँ, मम्मी कहती है मेरे भी बिट्स एंड पीसेस कंप्लीट नहीं हुए. यूसरा वेट फॉर दैट. एंड आई एम लाइक ओके, आपके बिट्स एंड पीसेस कंप्लीट हो जाए देन मैं रूम टूर करूँगी इंशाल्लाह. ये तबाही भी आ गए, पंखा चला दिया इन्होंने. Hey, then please go put turn on the fan. Oh, what she did? Ew! Take it. I don't like it. It's like ducks. What is this? Actually, bacon and ducks. What is this? Show me. Show me. Actually, bacon and ducks. Show me, what is this? Bacon and ducks. I cannot hear you, Poopo. What did you say? Fudgy duck and bacon. Show me, what is this? What do you have? Wow, it's a cute duck. It's a cute duck. What is this? You tell me. Mama, this is lamb food. What is this? What is that? Show me. Pizza. It's a pizza? Yeah. रह पाओगी व्हाट्सएप के बगैर? कोई बात नहीं गाइस, इट्स जस्ट बाय द वे मैं इस सीन को फिर भी कट कर दूंगी. माय लाइफ इज शिट. नो इट्स नॉट. माय लाइफ इज शिट विदाउट व्हाट्सएप. विदाउट व्हाट्सएप
मीट अक्सा। ये अक्सा ने मेरे लिए दिल बनाया था, उसमें मैंने कलर किया और उससे यहाँ पे स्टिक किया सारे स्टिकी नोट्स अक्सा के। हाय अक्सा, हेलो, व्हाट आर यू डूइंग? इज अ व्हाट्सएप फिक्स्ड? इज अ व्हाट्सएप फिक्स्ड? यस। इसे नया व्हाट्सएप डाउनलोड किया? नहीं, अभी तो मैंने पुराना किया। आई हैड लाइक द फैंसी वन जस्ट मेक इन चेंज एवरीथिंग फॉर एंड्रॉइड यूजर्स ओनली। सो आज वी हैव पकौड़ास एंड समोसास। वैसे मैंने और सोचा था हम लोग नहीं खाएंगे अब ऑयली चीज़ें। मुझे भूख लग रही है, मुझे पेप्सी मंगवा कर दो। ये डाइट कर रही है और पेप्सी पीती है और फिर कहती है मुझे डाइट पेप्सी पिला दो। ये कौन सी डाइट हुई? ये कौन सी डाइट हुई? नाम है मतलब पेप्सी फिर भी पीनी है? अच्छा, मैं नहीं पीती बिल्कुल भी। कब से? मैं ओकेजनली, मतलब जब से मैं छोटी थी तब से, बस मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो इट्स ओके। पर वो नहीं है पेप्सी वाली, पेप्सी चाहिए 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 लाइक अक्सा।